सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं देविका जैन ते हुण सब तो पहला एक नज़र अज दे बुलेटिन दीआं मुख खबरां वल। उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने 2 किलोवाट तक के डिफॉल्टर घरेलू खपतकारां दी बकाया राशि माफ़ करन दी स्कीम दी कीती शुरुआत। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारत पाकिस्तान सरहद नाल लगदे पुलिस दे नाकियां दी कीती चैकिंग। साबका मंत्री अते विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया ने केंद्र सरकार वल्लों पंजाब दे सरहदी इलाकियां विच BSF दा दायरा वधाण दी कीती निंदा। आते हुण खबरां विस्तार नाल। समाज के आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को वड्डी राहत दिंदिया होया पंजाब सरकार वल्लों किए ऐलान जिस विच 2 किलोवाट लोड वाले घरेलू बिजली बिलों के पिछले समुचे बकाए को माफ़ करन दा ऐलान किया गया सी, जिस दी शुरुआत हाल बाजार बिजली घर तो उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी वल्लों बकायदा तौर उत्ते कर दिती गई। उन्हां कहा कि बिलों की अदायगी ना करन करके जिन्हां लोगों के बिजली कनैक्शन कट दिते गए सन, इस दी मंग नूं पूरा करदिआं कैबिनेट ने जो एक गरीब पक्षी फैसला लिया सी इस नूं जमीनी पद्धर उत्ते लागू कर दिता गया। उन्हां दस्सिया कि पंजाब भर विच अजिहे डिफॉल्टरां दा 11,000 करोड़ रुपए का बकाया माफ़ किया गया। इस मौके डिप्टी चीफ अश्विनी मेहता, वधीक SC मनिंदरपाल सिंह, इंजीनियर मनदीप सिंह, परमजीत सिंह चोपड़ा, मार्केट कमेटी के चेयरमैन अरुण कुमार पप्पल, कौंसलर महेश खन्ना समेत कई लोग मौजूद सन। पंजाब सरकार वल्लों ये साडा फैसला साडे CM साहब चरणजीत सिंह चन्नी दे सारी कैबिनेट ने असी ये डिसीजन किया, ये फैसला किया जिन्ने भी 2 किलोवाट तक लोकां दे पुराने बकाए ने, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का, चाहे SC वर्ग का, चाहे जनरल वर्ग का, जिन्ने भी 2 किलोवाट तक बिल पेंडिंग पे ने बिजली दे, वो सारे बिल जिहड़े आ अज तो असी माफ़ कर देने, चाहे किसी का 1 लाख रुपया पेंडिंग पिया, चाहे 1.5 लाख रुपया किसी का पेंडिंग पिया, चाहे 5 लाख पेंडिंग पिया, 2 किलोवाट तक जिन्नियां भी कैटागरियां ने सारिया ने जिहड़े असी अज माफ़ करने, जिन्ने भी खपतकार ने ना पंजाब च जिन्ने भी खपतकार ने वो सारे दी माफ़ है 2 किलोवाट तक। फार्म थोड़ा बहुत रिकॉर्ड रखना पैंदा, शुरुआत जिहड़ी है जिस दिन तो असी फैसला करता उस दिन तो ही इन्हां दे जिहड़े पेंडिंग जिन्ना भी बकाया सारा माफ़, हर कंसीजेंसी वाइज सारे अफसरां नूं हिदायतां करतीयां ने भी इन्हां जिहड़ा भी आउंदा किसी नूं ना नहीं करनी, उन्हां दा फार्म भर लो, नाल ही प्रूव हो जाणा उन्हां दा। सो जिहड़ी फॉर्मैलिटी है थोड़ी बहुती, असी लंबा काम ही नहीं रखिया, लोगों को फेरे पैन ना, पर लोग अज तो यह गल समझ लैन कि जिन्होंने फार्म भर दिते ने जेडे भर देंगे उन्हों का उस देर तो जरा वो माफ समझा जाए। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीती देर रात भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद न लगते पंजाब पुलिस के नाकियां की अचनचेत चैकिंग की स्थिति का जायजा लिया। इस दी शुरुआत अमृतसर जिले के अजनाला दे जगदेव खुर्द तो की गई। साबका मंत्री ते विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं पंजाब विच केंद्र सरकार वल्लों BSF दा दायरा 50 किलोमीटर किते जाण दी सख्त शब्दां विच निंदा कीती। उन्हां आख्या कि श्रोमणी अकाली दल बादल केंद्र सरकार दे इस फैसले दी कड़े शब्दां विच निखेधी करदा है अते केंद्र सरकार वल्लों कीती जा रही लोकतंत्र दी इह हत्या दे खिलाफ़ अंदोलन किया जाएगा। इस पत्रकार वार्ता दौरान साबका मुख संसदी सकत्तर विरसा सिंह वलटोहा, साबका विधायक मनजीत सिंह मन्ना, साबका विधायक वीर सिंह लोपोके, साबका विधायक दलबीर सिंह, साबका विधायक अमरपाल सिंह बोनी, जिला प्रधान गुरप्रताप सिंह टिक्का, रवि करण सिंह कालो भी मौजूद सन। इस मौके पर कई लोग अकाली दल विच शामिल हो गए। जो केंद्र सरकार वालों पंजाब के अधिकारां ते डाका पाउण दा यतन किया जा रहा, फैडरल स्ट्रक्चर नूं ढा लाउण दी कोशिश की जा रही है, उहदे बारे
अज बहुत डूंगियां विचारां कीतियां कि जो BSF नूं 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर का मतलब ये नहीं कि सड़क दे 50 किलोमीटर, क्रो फ्लाइट जिदे नाल सारा ही एरिया, मतलब इथों तक ब्यास दरिया तक 10 साढ़े ज़िले गुरदासपुर, श्री अमृतसर साहब, तरन तारण साहब, फिरोजपुर, फाजिलका, मोगा, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहब, कपूरथला, पठानकोट, 10 डिस्ट्रिक्ट जिदे नाल प्रभावित होन लगे आ। 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पंजाब दा, उहदे नाल ऑलमोस्ट 50% एरिया BSF दे सेंटर दे डायरेक्ट कंट्रोल च आउण लग्या। इहदे बारे सारिआं ने जदों विचारां होईआं ते आप दे चिंता ते इस मुद्दे ते अपना विरोध अज समुची श्रोमणी अकाली दल दी लीडरशिप ने एकजुट हो के जिथे रोस जताया उथे फैसला कीता कि केंद्र सरकार वल्लों इस धक्केशाही दा फैडरल स्ट्रक्चर नूं खराब करन दा, पंजाब दे अधिकारां नूं डाके पाउण दा सख्त विरोध और सख्त नोटिस लैंदिआं होइआं सख्त विरोध कीता जाऊगा। उप मुख्यमंत्री बनने तो बाद पहली बार अपने जद्दी पिंड पीलोवाल पक्का पुजे श्री ओम प्रकाश सोनी का पिंड वासियां ने बड़ी गर्मजोशी नाल स्वागत किया। इस मौके श्री सोनी ने बाबा नागा जी के दरबार विखे मत्था टेकिया अते पिंड वासियां नाल गलबात की। उन्होंने इस मौके पिंड के सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल पीलोवाल पक्का 25 लाख रुपए और पिंड की पंचायत को विकास कामों लई 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया। श्री सोनी ने इस मौके पिंड के सरकारी स्कूलों अपग्रेड करन दा उद्घाटन भी किया। इस मौके राघव सोनी, शाम सोनी, सरपंच सुखा, सिविल सर्जन अमृतसर डॉक्टर चरणजीत सिंह, DEO सतिंदर बीर सिंह समेत वड्डी गिनती विच लोग मौजूद सन। सो बाबा नागा जी पार कृपा रही है शुरू तो ही अज दे नहीं, मेरे फादर, मेरे दादा जी वो बाबा नागा जी की पार कृपा नाल इस पिंड की सेवा करते रहे ने, सारे नूं पता है। सो मेरे फादर साहब इतों सरपंच भी रहे, चेयरमैन ब्लाक समिति के भी रहे, चेयरमैन मार्केट लैंड मार्केट बैंक के भी चेयरमैन रहे। सो सेवा शुरू तो ही साडा परिवार जिहड़ा कर रहा। सो मैनू हुण पंजाब दी सेवा दा मौका मिलिया बतौर DEP। सो मैं आशीर्वाद लैन आया। सो नाल ही पिंड दी डिवेलपमेंट वास्ते मैं पहलों भी इन्हां नूं स्कूल वास्ते 75 लाख रुपया दिता सी, 25 लाख रुपया मैं होर अज स्कूल नूं दे के चलिया। सो पिंड दी डिवेलपमेंट वास्ते मैं पहलों ही जो इन्हां कहा वह मैं किया। कैबिनेट मंत्री सुखबिंदर सिंह सुख सरकारिया ने विधानसभा हलका राजा सांसी के ब्लॉक चुगावा के 11 पिंड कच्चिया फिरनिया पक्या करन दे विकास कार्यों की नींह पत्थर रख्या। इस मौके सरदार सरकारिया ने आख्या कि कच्चिया फिरनिया के पक्या होने नाल हजारा डेरिया उपर आउन जाण वाले लोगों नूं लाभ मिलेगा। इस मौके पिंड वासियों वालों इस कार्य लई सरदार सरकारिया का धन्यवाद किया गया। देखो मैं अगे भी दस के हटिया, लिंक रोड सड़कियाँ सारिया कंप्लीट ने और चौड़िया सड़क भी साढ़िया 75% हो गई जिहड़ियां एक दूजे पिंड नूं जांदियां सी। इह हुण जिहड़े खेतां च कई लोग आके वसे सीगे जिन्हां दे डेरे सी, जिन्हां नूं कहिंदे 8-8, 7-7 डेरे ही, उन्हां नूं राह देण लई अज जिहड़े उद्घाटन कर रहे। अज कोई 12 दा रखिया जी, कल भी इन्ना की। दिल्ली दे उप मुख मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी अमृतसर फेरी दौरान भगवान श्री वाल्मीकि तीर्थ विखे मत्था टेकिया अते भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों में हाजरी भरी। टूना साहिब ट्रस्ट के चेयरमैन ओम प्रकाश गब्बर, GM PK कुमार ने उन्होंने सन्मानित किया। विधायक हरपाल सिंह चीमा, सबका IG कुंवर विजय प्रताप सिंह, सबका ADC राकेश कुमार, अशोक तलवाड़ भी उन्होंने नाल सन। उन्हें केंद्र सरकार वालों पंजाब में BSF का दायरा बधाए जाने की सख्त शब्दों में निखेधी की। दर्शन करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में भगवान वाल्मीकि के चरणों में, जहाँ उन्होंने लवकुश जी को शिक्षा दी थी
यहाँ पर मेरा यही विनती रही कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बने और उसी तरह से भगवान राम के आदर्शों पर चलते हुए, भगवान वाल्मीकि की प्रेरणा से चलते हुए, उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए आम आदमी पार्टी आगे बढ़े, पंजाब की सरकार आगे बढ़े, यही मैंने यहाँ पे आके विनती। आज आम पार्टी के उप मुख्यमंत्री श्री अयोध्या जी आए थे, उन्हें भगवान वाल्मीकि महाराज चरणा नतमस्तक हुए, वाल्मीकि महाराज को आशीर्वाद लिया, संत मलकीना जी महाराज को आशीर्वाद लैके अज इतने इतों गए ने। असं अरदास करते हैं कि चढ़दी कला में सिंघू बॉर्डर से निहंग सिंघां वालों कतल किए गए लखबीर सिंह के मामले में सोनीपत पुलिस ने एक दोषी सरबजीत सिंह गिरफ़्तार किया। SSP देहाती राकेश कौशल ने पत्रकारों नाल गलबात करदे दस्या कि पुलिस ने दूजे दोषी निहंग सिख नारायण सिंह नूं गिरफ़्तार किया है, दोषी तो पूछगिछ जारी है। कि कल सिंघ बॉर्डर से एक घटना वापरी सी, जिसे एक लड़का सीगा सतेंद्र लखबीर सिंह, मेरे को इतने आने चाहिए लखबीर सिंह, उन्होंने कुछ निहंग सिंघां वालों कतल करता गया सीगा, जिस संबंध थाना कुंडली और पी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत इन्हों के खिलाफ एक परचा दर्ज है 302 का, वो एक निहंग सिंह सीगा सरबजीत सिंह, जिन्हों ये कहें प्रधान मिसल बाबा हिम्मत सिंह, प्रधान मिसल बाबा हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह उन्होंने इन्होंने कल लोकल पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया सीगा। दूसरा जो अक्यूज सीगा नारायण सिंह, दूसरा जो बंदा सीगा नारायण सिंह पुत्र दर्शन सिंह वासी रख देवीदासपुरा अमरकोट PS जंडियाला, इस समय रहने वाला सीगा, ये उतों मौके तो फरार हो गया सीगा, जिदे बारे आज सानू स्पेसिफिकली एक इनपुट आई कि हो सकता ये अपने पिंड ना पहुँचे, इतने कि ना होए। प्रधान मिसल शहीदा बाबा बास सिंह श्रोमणी पंथ अकाली तरना दल, श्रोमणी पंथ अकाली तरना दल, तरना दल यंग होंगे जिला प्रशासन वालों हर साल की तरह इस साल भी दीपावली से जिन्हों लोगों ने पटाखे वेचने हैं उन्होंने पटाखों की विक्री करने लिए टैंपरेरी लाइसेंस जारी किए जाने हैं। ये लाइसेंस लैन के इच्छुक लोग पंजाब सरकार के सेवा केंद्र से 16 to 19 October तक फार्म भर सकते हैं। सेवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर निर्वैर सिंह ने दसिया कि जिला अमृतसर के किसी भी सेवा केंद्र से ये फॉर्म जमा करवाए जा सकते हैं। जिला प्रशासन वालों 25 October ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16-10-2021 ਤੋਂ 19-10-2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25-10 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾ ਡਰਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ DVT ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਰਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਪਟਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ 41 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਵਿਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 19 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 19-10 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਨ ਸੇਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੌਪ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ NRI ਦੇ SHO ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ NRI ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ NRI ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3,75,000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ NRI ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FI ਨੰਬਰ 2/19 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 420/67/78 ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ
उन्हां दा बैंक अकाउंट सी एच डी एफ सी बैंक कोट रोड दे विच। उत्थे प्रनीत कुमार जिहड़ा हैगा ये रिलेशन मैनेजर सी, इन्हें उन्हां दी अपनी सीट का नजायज़ फायदा उठाते हुए एक गलत चैकबुक इशू करा के उन्होंने मिलते जुलते सिग्नेचर करके करीब 375,000 रुपये कढ़ा लिया। ये मेन चीज़ जी चली सी जी इन्वेस्टिगेशन, यह दौरान इन्वेस्टिगेशन ही भज गया बार जी, बट हुण वापस आया दिल्ली, दिल्ली आ के भजन की ताकत हैगा सी, तो एल ओ सी जारी किया हुआ सी जी, वो करके उत्थे अरैसट हो गई है जी। नहीं अजे फिलहाल फस्ट ही है जी, बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, कार्रवाई की रैसट पाती है जी, हूँ बाकी जी होर कि है चैक कर रहे हैं जी। बटाला के नज़दीक पिंड अलीवाल विखे दीपक ज्वैलर की दुकान से दो नौजवानों ने पिस्तौल की नोक से दुकान में पे करीब 6 तोला सोना और गले में पे 50,000 नकदी की लुट की। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस वालों मौके पर पहुँच जाँच शुरू कर दी गई और पुलिस थाना कणिए के बांगर के थाना प्रभारी अमोलक दीप सिंह ने दसिया कि उन्होंने वालों सीसीटीवी फुटेज के आधार से जाँच शुरू कर दी गई है और अगली कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही दोषियों को काबू किया जाएगा। भाई तीन जने आए थे तो वह मैं आते भी चैनी दिखा, तो मैं चैनिया दिखा लिया चांदी दियाँ, तो वह बाद किसी ने सिलेक्ट फोन पर गल कर लिया, तो बाद चो 5 मिनट बाद उन्हें रिवाल्वर कढ़ लिया, तो वह आते भी मतलब जो कुछ भी है तो कढ़ दे, तो मैं आते हाथ खड़े कर ला अपने, तो बाद चो उन्होंने आपे खाने खूने ज हथ मारने चालू करते, तो उन्होंने समान समून सारा लै गए कढ़ के, पर मैं मगर भजा वा तो पर मेरे कोई हथियार है नहीं। तो कस्बा अलीवाल विखे दीपक ज्वैलर नाम की एक शॉप आ, और जो शॉप का मालिक है रविंदर सिंह सानू बलकार सिंह, उसका नाल उसका हैल्पर सागर सिंह, दोवें शॉप पर सवेरे बैठे सी, और तीन नौजवान मोने नौजवान जिन्होंने मास्क पाए ही वरना गड्डी वाइट कलर से आए सी, और दुकान के एंटर हो के दो जने को वैपन सी पिस्टल सी, और पिस्टल की नोक पर करीब 50,000 रुपया अते 6 तोले सोना वो लैके चले गए। और इस वारदात को ट्रेस करने संबंधी सीनियर अफसर के ध्यान में लिया के सीसीटीवी फुटेज अते जो भी असं अपनी इन्वेस्टिगेशन टीमां बनाईया ने, और उम्मीद है भी जल्दी तो जल्दी वारदात ट्रेस कर लेंगे। फास्टवे के प्रोग्राम इतिहासिक अमृतसर के नवे एपीसोड का प्रसारण खबरों के इस बुलेटिन तो बाद किया जाएगा। लड़ीवार प्रोग्राम इतिहासिक अमृतसर दे विच तुहाडा स्वागत है। असीं इस प्रोग्राम दे तहत महत्वपूर्ण संस्थान, धार्मिक स्थल अते स्मारकां बारे जानकारी देवांगे। इसको आओ अज तुहानू एक नवें शहर लै चलीए जिसकी कल्पना, रचना ते सिरजना गुरबख्श सिंह जी ने की। गुरबख्श सिंह जी ने एक सपनिया का शहर संजोया, प्यार भरया शहर जिसका नाम दिता प्रीतनगर। सेहत विभाग वालों मिली जानकारी मुताबिक 16 अक्टूबर की शाम को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती रही 2 और एक्टिव केसिस की गिनती है 5। हुण समा हो गया एक छोटे जिहे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद तुसी वेखोगे। श्री दुर्गाना तीर्थ विखे लंगूर मेला होया संपन्न। ए ते कुछ होर खबरां एक छोटे जिहे ब्रेक तो बाद। फनलैंड, अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू।
तुझे देखा हुआ पागल पागल तुम्हारी बॉडी जैसे पारल पारल पासा जाने जा बन मेरी यामाहा लम्बे 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। श्री दुर्गयाना तीर्थ विखे स्थित बड़ा हनुमान मंदिर विच असुसुदी एकम तो शुरू होया लंगूर मेला शनिवार नू संपन्न हो गया। इत्थे वर्णन योग है कि मन्नत पूरी होने ते इस साल भी हजारा बच्चे बजरंग बली स्वरूप लंगूर बने अते इहनां दे मापिआं ने बजरंग बली दा शुकराना किया। 10 दिनां दा नेम खत्म होने ते बजरंगी स्वरूप बच्चों ने बजरंग बली दे चरणा विच मत्था टेकिया। इत्थे वर्णन योग है कि लंगूर मेले नू लैके श्री दुर्गयाना कमेटी वालों बेहतर प्रबंध किए गए सन। ये जो आप मेला देख रहे हैं ये लंगूर मेला इसे कहा जाता है, जो बहुत ही प्राचीन समय से लगता आया है। यहाँ की परंपरा है कि जिसके भी संतान नहीं होती है वो यहाँ पर आकर के बड़ा हनुमान जी के मंदिर में अपनी झोली में फल डलवाते हैं और जो वट वृक्ष है उस पर मौली बांधते हैं और अपनी मंगत मांगते हैं कि हमारे संतान हो जाएगी तो हम उसको लंगूर बनाएंगे। और जब उनकी मंगत पूरी हो जाती है तो वो इन आश्विन के नवरात्रों में अपने बच्चे को लंगूर बनाते हैं और 10 दिन तक उसको 2 टाइम माथा टिकाते हैं, कठिन नियम करते हैं। नियमों में है जैसे कटा हुआ नहीं खाना या किसी के घर नहीं जाना, किसी के घर की तहजीज गुजांग के नहीं जाना है और नंगे पांव 2 टाइम माथा टेकने के लिए आना होता है, सात्विक भोजन करना होता है, जमीन पे सोना होता है। ये नियम है जो जिनको पूरा करके लोग अपनी मंगत को पूरा करते हैं। जब यहाँ की परंपरा है कि एकादशी को वस्त्र प्रवाह किए जाते हैं तो यहाँ लोग भारी संख्या में वस्त्र प्रवाह करने के लिए आ रहे हैं और बाबा जी ने जिनकी झोलियाँ भरी हैं वो बाबा जी से उनके शुक्रिया अदा करने के लिए और जो 10 दिन तक उन्होंने नियम किए हैं उनमें अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए आते हैं एकादशी के दिन। यहाँ पे बाबा जी अपने आप स्वयं भूप्रकट मूर्ति में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। इनका स्वरूप जो है हजारों वर्ष प्राचीन है और यहाँ पे प्राचीन मान्यता है कि जब कुछ ने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा था तो हनुमान जी जब घोड़े को छुड़ाने के लिए आए थे तो हनुमान जी ने उनमें रामचंद्र जी के दर्शन किए बच्चों में और उनके हाथों से बंदी बन गए थे। पिछले 6 सालों तो बंद पुराना डीसी दफ्तर नवीनीकरण तो बाद हुण खुल गया है। हुण इत्थे पुस्तकां नाल लोकां विच ज्ञान वंडिया जाएगा। पंजाब सरकार दी रानी का बाग स्थित कॉमरेड सोहन सिंह जोश जिला लाइब्रेरी नूं इत्थे शिफ्ट कर दिता गया है। इत्थे बने 6 वड्डे वड्डे हाल कमरियां नूं हैरीटेज लुक दिता गया अते अलग अलग ब्लॉक भी बनाए गए हन। इत्थे वर्णनयोग है कि जिला लाइब्रेरियन डॉक्टर प्रभजोत कौर दे यतना नाल ही यह संभव हो सकया है। इस यतन तो बाद इत्थे आउण वाले पाठकां दी गिनती भी वधेगी। पहले ये लाइब्रेरी जिला लाइब्रेरी रानी का बाग विच 1982 स्टैबलिश हुई सी एक पार्क विच छोटे जे हॉल दे विच। हुण 40 साल बाद लगभग 40 साल बाद ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि इनू इत्थे डीसी ऑफिस जिहड़ा पुराना दफ्तर सी रेनोवेशन की गई सी हिरदे प्रोजैक्ट के अधीन उन्होंने लाइब्रेरी जिला लाइब्रेरी के तौर पर अस्टैबलिश किया जाए तो असं हूँ उतों शिफ्ट होकर इतने आ गए हैं। ये तकरीबन 9-10 कमरे सानू मिले ने जिदे विच असी वक्रा वक्रा जिहड़ा हैगा ने रूम चिल्ड्रन सैक्शन अलग बनाया है, ए वी रूम अलग हैगा जी, तो पीरियोडिकल सैक्शन सर्कुलेशन सैक्शन जिथे किताबा इशू रिटर्न होंदियां वो अलग ने, फिर उस हिसाब नाल लैंडिंग सैक्शन एक्टिविटीज़ जिहड़ा सैक्शन है जिथे एक्टिविटीज़ होनगियां बुक रिलीज़ होनगियां मीट योर ऑथर इस तरह की जिहड़ी ऐसी एक्टिविटीज़ वह छोटे जे हॉल विच रानी का बाग करते सां वो सारिया एक्टिविटीज़ हुण डिफरेंट डिफरेंट सैक्शन विच कीतियां जाणगियां और हर तरह का वर्ग जिहड़ा हैगा वो साइमनटेनियसली इस लाइब्रेरी विच अपनियां इनफॉर्मेशन दियां लोड़ां पूरी कर सकता है। इहदे विच 52,300 प्लस किताब हैगी है हर विषय ते, साडे कोल बेस्ट कलैक्शन हैगी है रिलीजन बायोग्राफी पंजाबी लिटरेचर हिंदी इंग्लिश लिटरेचर रेफरेंसिज बहुत अच्छे ने, चिल्ड्रन सैक्शन विच बहुत अच्छी किताबा ने बच्चों के पढ़ने वास्ते और वो छोटे तो लैके यानी कि ईवन स्टोरी टैलिंग सैशन जिमें माँ बाप अपने बच्चों
पढ़ के सुनाने वाली हैं, यानी कि साल तो जो तुम बच्चों इस नाल इनवॉल्व करना चाहो तो वह जी किताबा भी कलैक्शन जी सा है। अजनाला विखे दशहरे का त्यौहार धूमधाम मनाया गया, जिसके चलद पिंड छीना करम सिंह कस्बा अजनाला विच संगता दे सहयोग नाल दशहरे का त्यौहार मनाया गया। पिंड जस्तरवाल उमरपुरा छीना करम सिंह दे सहयोग नाल छीना करम सिंह विखे रावण कुंभकरण ते मेघनाथ दे पुतलियां नूं अग्नि पेंट किया गया। कस्बा अजनाला विच भी रावण मेघनाथ ते कुंभकरण दे पुतलियां नूं विधायक हरप्रताप सिंह अजनाला ने अग्नि पेंट किया। इस मौके वड्डी गिनती विच लोग मौजूद सन। वीर जी लगभग जिहड़े मेन साडे रामलीला दे आर्टिस्ट ने वो जस्तरवाल छीना करम सिंह पिंड उमरपुरा तो ने, ठीक है, जिहड़े साडे पिंडां दे विच उठ के अजनाला शहर चले गए ने, वो भी आर्टिस्ट साडे नाल इत्थे आ के सहयोग दिंदे ने। बाकी जे कहीए किन्ने पिंडां दी गल करिए ते लागे बन्ने घट्टो घट्ट 8-10 पिंड जिहड़े आ इस पिंड नूं सहयोग दिंदे ने, जिदां दे करके जिहड़ा इन्ना मेला जिहड़ा धूमधाम नाल मनाया जांदा वा। हम लोग यहां पे आए हैं रावण देखने आए हैं, बहुत अच्छा लगा। कोरोना की वजह से लास्ट ईयर नहीं हो पाया था, सब लोग बहुत मिस कर रहे थे, अभी हुआ, बहुत अच्छा लगा। और ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, ये सब लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है और मुझे लगता है कि सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये बदी ते नेकी दी जीत दे रूप च मनाया जाता है, तो अज सानू सिक्ख्या लैके जानी चाहिए है कि झूठ जिन्ना भी ताकतवर होवे, गलत काम जिन्हें भी ताकतवर हो, हमेशा जीत दी जीत हुंदी है। भगवान वाल्मीकि जी दे प्रगट दिवस दे संबंध विच भारतीय वाल्मीकि आधर्म समाज के मुख संचालक विरोतम रतन हंस अते पंजाब प्रभारी सुनील मट्टू की अगवाई हेठ रियालटो चौंक तो भगवान वाल्मीकि आश्रम तक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके साबका मंत्री गुलजार सिंह रणी के उचेचे तौर पर हाजिर सन अते उन्हां नूं सन्मानित किया गया। इस मौके सीनियर संगठन आगू वरियाम अशोक पट्टी, सीवरमैन स्ट्रीट लाइट यूनियन के प्रधान दीपक गिल, गोल्डी गौरव तरसेम भी मौजूद सन। ਮਾਰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਮੱਟੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਝਾਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਉਹ ਐਤਕੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੀਆਵੰਟ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਡ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ, ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ ਭੈਣੋ ਜਾਗ ਪਾਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਰਕੋਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਮਰਕੋਟ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ
अरैसट हो चुकी है। तो दूसरे कौम के महान जथेदार बाबा नारायण सिंह जी मुखी मिसल शहीदा बाबा बाल सिंह जी, ये जथेदारां दा काम है। जथेदारां ने अपनी ड्यूटी समझते हुए, अपनी सेवा समझते हुए उस दुष्ट दा जिस कदमां दे नाल नापाक कदमां नाल चल के आया सी, उन्हां कदमां दे नाल चल के वापस नहीं गया। इसे तरह होना चाहिए। बाबा जी ने बहुत वधिया काम किया जी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बेद अदबी करन वाले दे दुष्ट नूं सज़ा दे के बहुत वधिया कौम वास्ते काम किया, इहदे विच सानूं बहुत ज़्यादा खुशी आ। मंदिर वैष्णो देवा जी सुंदर नगर विखे 41वां भगवती जागरण माता शारदा महेश्वरी वालों करवाया गया। वक् वक् संकीर्तन मंडलियां ने भगवती गुणगान किया। सुधा माता जी, मनोज जी महाराज, रमन महाजन समेत कई लोग मौजूद सन। श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब के संबंध में 16 सितंबर तो 22 अक्टूबर तक विशेष गुरमत समागम शहर भर के गुरुद्वारों में आयोजित किए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को समागम शाम 7 बजे मेन मार्केट बसंत एवेन्यू विखे होगा। 16 अक्टूबर को समागम गुरुद्वारा मल्ला साहिब पिंड मीराकोट विखे होया। पला कलोनी छियाटा विखे पला कलोनी रोमैटिक क्लब वालों इस साल की आखिरी नाइट राज तिलक का आयोजन किया गया। भगवान राम जी के राज्य अभिषेक की सुंदर झांकी पेश की गई। श्री आरती देवा जी महाराज, सबका कौंसलर लखनपाल कहेड़, डॉक्टर राकेश अरोड़ा ने कलाकारों नूं यादगारी चिन्ह दे के सन्मानित किया। क्लब के प्रधान सतीश कुमार बल्लू ने इलाका वासियों ते सहयोगी साथियों का धन्यवाद किया। अज प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद के नाल साडे संपूर्ण रामायण होए आ। साडे रामायण के दो दिन होंदे आ, एक लक्ष्मण मोर्चा और एक जिहड़े समाप्ति वाला दिन है। साडी मतलब 11-12 दिन की तपस्या होंदी आ और बहुत सफलतापूर्वक सारे श्रद्धा प्रेम के नाल इन्नी वड्डी गिनती दे विच लोग आए आ। ये साढ़े सारे साढ़े कलाकारा दे और साढ़े कमेटी के सहयोग के नाल बहुत वड्डा एक टीम वर्क आ। हर एक बंदे की एक अलग अलग जिम्मेवारी आ, सारे ने अपनी जिम्मेवारी बड़ी बखूबी निभाई आ, जिसका परिणाम स्वरूप असी बहुत अच्छे तरीके दे नाल इस मंच तो रामलीला का आयोजन कर पाए हैं। श्री पवन पुत्र हनुमान सेवक सभा वालों संकीर्तन किया गया। महंत बबलू अरोड़ा राहुल, महंत आशीष मेहता लाली, बेवी अरोड़ा अलीशा अरोड़ा, महंत सोनू, पूजा वर्मा भी शामिल सन। नशा विरोधी समाज निर्माण संस्था के चेयरमैन बालकृष्ण शर्मा ने बजरंगी सेना का स्वागत किया अते लोकां नूं दशहरे की बधाई दी। इस मौके महंत जी नूं नीलम शर्मा, मधुबाला, वरुण अते श्वेता शर्मा समेत कई लोग मौजूद सन। इसलिए ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हनुमान सेना हमारे साथ है, जो कि आज हमारे घर में विराजमान हुई और मोहल्ला निवासियों ने इसका आनंद उठाया और सभी ने इसका लाभ लिया। आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो। उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने 2 किलोवाट तक दे डिफॉल्टर घरेलू खपतकारां दी बकाया राशि माफ करन दी स्कीम दी कीती शुरुआत। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारत पाकिस्तान सरहद नाल लगदे पुलिस दे नाकियां दी कीती चैकिंग। साबका मंत्री अते विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया ने केंद्र सरकार वल्लों पंजाब दे सरहदी इलाकियां विच BSF दा दायरा वधाण दी कीती निंदा। ऐसा नाचदियां खबरां असी अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।